प्रणाम। मैं उषा प्रजापन जयपुर राजस्थान से ही। मैंने अपने हस्बैंड से मतलब वो ध्यान करते थे तो मैं उनसे पूछती थी कि मतलब क्या होता है क्या नहीं, तो उसके बाद मैंने इन्होंने मुझे बताया थोड़ा सा, फिर मैंने ध्यान करना स्टार्ट किया। तो जब मैं ध्यान करती थी तो मेरे जब मैं लगता था कि मैं ध्यान कर रही हूँ तो मेरे मतलब गर्दन झुक रही है एक तरफ से, और एक तरह से झुकते ऐसा लगा कि मैं गिर जाऊंगी, तो फिर अचानक से मैं उठ जाती थी। ऐसा मतलब मेरे साथ कई बार हुआ, गर्दन एक तरफ झुक जाती हाँ, थी, एक तरफ झुक रही है। इधर कंधों की ओर या पीछे की ओर? कितनी देर ध्यान करते हैं आप? मैं स्टार्टिंग में तो मेरा ध्यान आधे घंटे ही लगता था, तो थोड़ा थोड़ा बड़ा, फिर 45 मिनट्स का हो गया। प्राणायाम करती हैं आप? कितना करती हैं? 10 मिनट। कुंभक भी लगाती हैं आप? हाँ, कुंभक भी लग जाता है। कितना लग जाता है? मेरा स्टार्टिंग मतलब अप्रोच 1 मिनट से ऊपर हो जाता है, मतलब 3-4 सेकेंड ऊपर हो जाता है। लेकिन आपने कहा कि आपकी गर्दन या सिर एक तरफ होता है, हाँ। इसी अवस्था में क्या आपका ध्यान लगा रहता है? हाँ, लगा तो रहता है, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं गिर जाऊंगी, इसलिए फिर मैं अपनी आंखें मतलब ऐसा लगता है कि मैं सपोर्ट नहीं होता मेरे पास में कोई, मुझे लगा तो फिर मैं अपनी आंखें खोल लेती हूँ। क्या शरीर भी झुकता है? मान लो एक तो हुआ कि सिर झुक गया कंधे की ओर, क्या हाँ, शरीर भी ऐसे थोड़ा सर झुका, हल्की बॉडी भी थोड़ा सा मतलब झुकती है? हाँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा प्राणायाम आप ज़्यादा मात्रा में करें। प्राणायाम इस तरह का नहीं झुकना चाहिए या इस तरह का नहीं झुकना चाहिए, ठीक है, साइड में। प्राणायाम की मात्रा बढ़ा दें और खाना पीना अच्छा रखें। अच्छा का मतलब सात्विक, मसाला भी हम खाते हैं, कम खाते हैं, कभी कभार ही हो जाता है, मतलब मिर्च मसाला हम वैसे भी मतलब स्टार्टिंग से कम खाते हैं। बाहर खाना खाते हैं आप कभी? कभी कभार हो जाता है। छोड़ जाइए, अगर आपको मतलब ये क्रिया बंद करवानी है करनी है बाहर का यानी मार्केट का, पार्टियों का। लेकिन अब कहें कि क्या पार्टियों में नहीं, यानी शादी ब्याह पार्टियों में जाना पड़ता है, अब क्या कहें, साधक को विरोध सहना पड़ता है, जाते हैं। और जो हमें बाहर का खाना अच्छा लगता है, वास्तव में साधक के लिए गंदगी के अलावा कुछ नहीं होता है। खाना हमें स्वादिष्ट तो लगा, हमने अच्छा खाया, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ढेर सारी गंदगी भरी होती है उसमें। ये अपना खाना बना सबसे श्रेष्ठ होता है। जब खाना बनाएं आप तो मंत्र जाप किया करें, इधर उधर की बात बिल्कुल ना सोचें। जब तक यानी आप खाना बनाती हैं क्या घर का? नहीं बनाती हैं, खुद बनाती हैं, तो तब तक आप मंत्र का जाप करें या ईश्वर का नाम लें, जो भी मर्जी में मंत्र भी कोई भी जो अच्छा मंत्र लगता हो उसका जाप करें। उस समय ये नहीं कि इधर उधर आप बात करें या वो करें, अन्य कोई ध्वनि ना सुने। हमने कुछ लड़कियों को देखा है मोबाइल, हाँ, बाहर घूमने गए बिल्कुल सुबह 5 बजे घूम रहे, मोबाइल जेब में पड़ा हुआ है लोवर में, और वो ठूंठ नहीं बताए। खाना बनाते समय आप मंत्र का जाप करें, ठीक है। इधर उधर के अब जो भी हो, अगर साधक बनना है, कुछ साधना में उन्नति करनी है, तो अनावश्यक रूप से बात न करें, संगति सुधारें। अब ये मत कहना कि मैं क्या कह रहा हूँ संगति का मतलब ये नहीं कहता कि आप खराब, यानी जैसे नहीं होता कि खाली बैठे हैं चलो बातें करने लगे, उस बात को कहते हैं। हाँ ठीक है, तो अच्छी बात है। तो हाँ, वो ऐसी चीज साधक के लिए अवरोध है कि मतलब इधर उधर की बेकार। हाँ, जब जरूरत है आपको तब बात करिए, बिल्कुल जीवन में सुनने को पड़ती है, पति से सुनने को मिलती है, वो खुद बोलते हैं, मेरे को बोलते हैं कि तुम जाया करो किसी से बोला करो, सबसे तुम्हारी मतलब ये वो आती है कि तुम किसी से बोलती नहीं हो, बातें नहीं करती या कहीं जाती नहीं हो। हाँ, कुछ समाज में ऐसे कार्य होते हैं कि हमें जाना पड़ता और बात भी करनी पड़ती है, लेकिन अगर जरूरी नहीं है, देखो अगर साधना करनी है
वो सुन रहे होंगे, साधना करनी है और साधना में आगे बढ़ना है, तो जो अनावश्यक शब्द है, अनावश्यक, जो जरूरी नहीं, बहुत जरूरी नहीं है, तो अपना अकेले रह के हम अपना मंत्र जाप कर सकते हैं, और अगर मान लो मन ऊब गया तो आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ सकते हैं, ये ठीक है, और टीवी के सीरियल, हाँ, वो बहुत से घरों में देखा कि एक दो चैनल बड़े आते हैं, वो स्त्रियों के ही नाटक दिखाते हैं, हाँ, तो इसका भी प्रभाव पड़ता है। तो यानी कुल मिला के आपने जो झुकने की बात की है, प्राणवायु का शुद्ध ना होना, ठीक है, इसलिए मैंने ये सब बातें बताई, आप अपना कभी कभार, हाँ नहीं होता, सीधे बैठना चाहिए, मतलब सीधे होना चाहिए, आगे मतलब पीछे की ओर झुकना चाहिए, लेकिन आगे की अवस्था है पीछे की ओर झुकना, साइड में झुकने का मतलब है प्राणों की अशुद्धता होना, बस इसलिए हमने इतना सब बताया, ठीक है, अभ्यास करिए। Thanks for watching. Remember to like, comment, and subscribe.